ब्रह्मांड का विस्तार इतना विशाल है कि किसी को भी इसका सही आकार मालूम नहीं है। अब जब किसी को ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह नहीं पता तो कोई इसका आखिरी छोर के बारे में कैसे बता सकता है। लेकिन इंसान की जिज्ञासु प्रवृत्ति शांत रहने वाली नहीं है, इसीलिए वैज्ञानिक ने सोचा कि आप इस ब्रह्मांड में जहाँ तक देख पा रहे हो उसके बारे में ही अध्ययन कर लिया जाए। तो आप ब्रह्मांड में कितना दूर तक देख सकते हो? जवाब है, ब्रह्मांड के जिस आखिरी कोने से लाइट आ रही है वह तक आप देख पाओगे। वैज्ञानिकों ने इस सीमा को अवलोकन ब्रह्मांड का नाम दिया। वर्तमान में इस अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी इतना दूर कि जहां से प्रकाश को भी हम तक पहुंचने में 91.1 अरब वर्ष लग जाएंगे। ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानते हैं वो सब कुछ बस इस अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के भीतर ही है। फिलहाल कोई ये नहीं बता सकता कि पूरे ब्रह्मांड को कोई अंतिम छोर भी है या ये पूरा ब्रह्मांड अनंत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के अंतिम छोर के बारे में तो वैज्ञानिकों को पता होगा। उत्तर है शायद नहीं। अब ये प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है, तब आपके दिमाग में अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के आकार की एक छवि जरूर होती होगी। क्या है वो छवि? कैसा है हमारा ब्रह्मांड? किसी फर्श पर रखी गेंदों की तरह या किसी कमरे में लटके गोलों की तरह या इन ज्यामितीय आकारों के अलावा भी कोई आकार हो सकता है? वर्तमान में ब्रह्मांड के आकार के बारे में 3 धारणाएं प्रसिद्ध है। पहला, ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है। दूसरा, एक मुड़ी हुई सीट की तरह, तथा तीसरा, एक फ्लैट सतह के रूप में है। विज्ञान में आने वाली खोजें हमें बता सकती है कि इन 3 मॉडलों में से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा सही है तथा ब्रह्मांड का आकार क्या है। ये तीनों ही धारणाएं ब्रह्मांड उत्पत्ति की बिग बैग सिद्धांत पर आधारित है, जो ये कहती है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड का छोर भी फैल रहा है। पर इन तीनों आकारों के लिए छोर का मतलब अलग अलग होगा। ये संभव है कि अभी तक आप ब्रह्मांड को सिर्फ मुड़ी हुई सीट की तरह या एक फ्लैट सतह पर स्थित मान रहे होंगे, जिसके सही होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। पर उस स्थिति में ये बताना संभव नहीं कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है या कोई अंतिम छोर भी है या नहीं। किंतु अगर हमारा ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, यानी सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सी किसी ऐसे बुलबुले की सतह पर हो जो फैल रहा है, तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को कोई छोर नहीं हो सकता। बस ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। यही शायद आपके प्रश्न का जवाब हो।